साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही। कल्याण सिंह जी थे, उनका बेटा राजवीर सिंह है। रमन सिंह है, उसका बेटा अभिषेक सिंह है। वसुंधरा राजे हैं, उनका बेटा दुष्यंत सिंह है। प्रेम कुमार धूमिल हैं, उनके बेटे अनुराग ठाकुर हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे पंकज सिंह जी हैं। कलराज मिश्रा जी हैं, उनका बेटा है। लालजी टंडन हैं, उनका बेटा है। विजय गोयल के पिता भी भारतीय जनता पार्टी में थे, बेटा भी उसी पार्टी में है। प्रवेश वर्मा को अगर आप यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा सांसद है। मदन लाल खुराना का बेटा है हरीश खुराना। और मुगलों की तरह कांग्रेस चल रही है, ये तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन दुगने मुगल बीजेपी के अंदर हैं, ये भी देश को जानना जरूरी है। हर सरकार इनकी जहां भी चल रही है, उन सरकारों के अंदर जबरदस्त तरीके से परिवारवाद है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद के ऊपर बोलने से पहले शीशे पर अपना चेहरा देखना चाहिए और अपने मुंह पर थोड़ी सी कालिक खुद लगा के तब कांग्रेसियों को कालिक लगाए। कांग्रेस ने तो वंशवाद को इस देश के अंदर एक तरीके से छठी पीढ़ी अब चल रही है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, न जाने कितने। लेकिन मैंने विजया राजे सिंधिया का आपको बता दिया कि विजया राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत राजे सिंधिया, ये भी एक तीसरी चौथी। जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, घोटाले है, तुष्टिकरण है, मनकाले है। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। आजकल आप देखते हैं कि देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, हमारे युवा बड़ी संख्या में पेटेंट करा रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में मेरे देश के नौजवान छाए हुए हैं, बेटियां कमाल कर रही हैं। ये युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी, लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है, इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है। कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के, घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी। इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए, इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों।